कल से मेट्रो के पहिए थमने वाले हैं, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं, इसलिए हड़ताल पर अंतरिम रोक लगाई जाती है। कोर्ट के आदेश पर कर्मचारियों की कोई प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। दिल्ली की लाइफलाइन बन चुकी मेट्रो पर ब्रेक की आशंका ने इससे रोजाना सफर करने वाले औसतन 27 लाख यात्रियों की सांसें फुला दी हैं। दिल्ली मेट्रो के 9000 नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी शनिवार से हड़ताल पर जाने वाले हैं, जिनका असर मेट्रो सेवा पर पड़ सकता है। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान पहले से किया गया था और जी हिंदुस्तान ने खबर तो समझिए में गुरुवार को आपको इसकी विस्तृत खबर भी दिखाई थी। शुक्रवार को मेट्रो प्रबंधन ने कर्मचारियों से बात की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। मेट्रो कर्मचारी 10 साल से एक ही वेतन पर काम कर रहे हैं, जिसे बढ़ाने समेत 10 मांगे प्रबंधन के सामने रखी गई हैं। अब खबर तो समझिए कि हड़ताल होती तो क्या होता और असर और क्या आई हड़ताल की चेतावनी की नौबत। तो दिल्ली मेट्रो से रोजाना औसतन 27 लाख यात्री करते हैं सफर। अगर हड़ताल हुई तो सड़क परिवहन पर बढ़ जाएगा भारी दबाव। दिल्ली में मेट्रो के बावजूद जाम आम समस्या है, हड़ताल से और बुरा हाल तय। एक साल से मेट्रो प्रबंधन के सामने लंबित है नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों की मांग, और 19 जून से काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे थे प्रबंधन, सुस्त पड़ा रहा।